जम्मू कश्मीर में लगती भारत पाकिस्तान सीमा पर बढ़ता तनाव चिंता का विषय है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजर रहा जब पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी नहीं हो रही हो। इससे सीमाई इलाकों में दहशत का माहौल है और लोग डरे हुए हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस साल पाकिस्तान ने 2050 बार संघ विराम का उल्लंघन किया है। जाहिर है पाकिस्तानी फौज भारत को उकसाने के लिए गोलीबारी, मोर्टारों से हमले और आतंकवादियों की घुसपैठ कराने जैसी रणनीति पर काम कर रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच 2003 में संघर्ष विराम समझौता हुआ था और दोनों देशों ने यह तय किया था कि उकसावे के लिए कोई भी पक्ष अपनी ओर से पहली गोलीबारी नहीं करेगा। लेकिन सीमा पार से होने वाली अनवरत गोलीबारी इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि पाकिस्तान के लिए इस समझौते का कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान के लिए संघर्ष विराम समझौता एक तरह से बेमानी है। कई बार तो सीमाएं इलाकों में हालात इतने गंभीर हो जाते हैं कि जान बचाने के लिए लोगों को गांव छोड़ने तक को मजबूर होना पड़ जाता है और सुरक्षित ठिकाने तलाशने पड़ते हैं। इस साल अब तक भारतीय सीमा में स्थित गांवों में 21 लोग पाकिस्तानी फौज की गोलियों का शिकार हो गए हैं। संघर्ष विराम के उल्लंघन की बढ़ती घटनाएं बता रही है कि बौखलाया हुआ पाकिस्तान कश्मीर में अस्थिरता पैदा करने के लिए किस सीमा तक आ सकता है। पैरा चेंज। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि सीमा पर लगातार गोलीबारी के पीछे सबसे बड़ा मकसद भारत के सैन्य बल का ध्यान बंटा कर आतंकवादियों को भारतीय सीमा में घुसाना है। इसलिए पाकिस्तानी फौज नियंत्रण रेखा और सीमा पर बनी भारतीय चौकियों को निशाना बनाए हुए हैं। यूं भी पाकिस्तान भारत में हर तरह से आतंकी घुसपैठ की साजिश रचता रहा है। पिछले दिनों ही पाक अधिकृत कश्मीर से लगी नियंत्रण रेखा से 30 किलोमीटर पहले पाकिस्तान ने 2000 सैनिकों और 5200 प्रशिक्षित कमांडो तैनात किए हैं। इनकी मदद से आतंकवादियों को कश्मीर घाटी में घुसपैठ कराने की योजना है। समुद्र के रास्ते भी आतंकवादी भारत में घुसपैठ की खबरें आ रही है। गुजरात के सर क्रिक क्षेत्र में भी पाकिस्तानी सेना ने विशेष बलों को तैनात किया है ताकि उस रास्ते भी भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ कराई जा सके। लेकिन सबसे ज्यादा आसान और संवेदनशील इलाका जम्मू कश्मीर से लगती सीमा है।